जितने भी नियोजित शिक्षक हैं किनके द्वारा बहाली किया गया, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा ही बहाली किया गया है। वो आदमी 15 वर्ष 20 वर्ष से जो पढ़ा रहा है उसकी क्या परीक्षा ली जाएगी? इसका मतलब 20 वर्ष बिना पढ़ाए हुए सरकार भुगतान दिया। माननीय लालू जी जो 95 जो शिक्षकों का जो मेरिट से बहाली किए थे वही शिक्षक बच गया है स्कूल में जो आज देखने को मिल रहे हैं। फर्जी होंगे या नकली होंगे या किनके द्वारा बहाली किया गया है, किन पदाधिकारियों के द्वारा, किनके राज्य में बहाली किया गया, प्रश्न यही उठता है ना। बिहार में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा होगी। इससे पहले तमाम नियोजित शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है कि हम पूरे बिहार में इस परीक्षा का विरोध करेंगे और एडमिट कार्ड जलाएंगे। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक शशिभूषण सिंह हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शशिभूषण जी, नियोजित शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए, ऐसे में एडमिट कार्ड जलाने की बात कर रहे हैं जो सक्षमता परीक्षा होनी है कल से, ऐसे में कैसे देख रहे हैं? आप बताइए, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं किनके द्वारा बहाली किया गया है? आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा ही बहाली किया गया है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर उन्हीं के पदाधिकारियों को द्वारा यह जो है उनकी नियुक्ति पत्र दी गई है। तो फिर दोबारा परीक्षा लेने का क्या तुक है? बताइए, हम लोग जो 28 तारीख के हम लोग शिक्षक लोग हम मांग पत्र हम लोग दिए हैं और 28 तारीख को पुरजोर हम लोग उसका विरोध करेंगे सदन में। लगातार सरकार जो है वो डटी हुई है, कह रही है कि हम परीक्षा लेंगे ही, ऐसे में कई सारी विसंगतियां बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 5 अटेम्प्ट के बाद हटा दिया जाएगा, ऐसे में ऑनलाइन ऑफलाइन मोड को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। जो आदमी 15 वर्ष 20 वर्ष से जो पढ़ा रहा है उसकी क्या परीक्षा ली जाएगी? इसका मतलब 20 वर्ष बिना पढ़ाए हुए सरकार भुगतान दिया? यह जो आज जो यह बात उठ रही है 20 वर्ष से किसी सरकार है, आप बताइए ना, पत्रकार महोदय आप बताइए, किसी सरकार से? हमारे आदरणीय नीतीश जी की सरकार थी ना। आज जो बात उठ रहा है क्यों? आदरणीय लालू जी जो 95 जो शिक्षकों का जो मेरिट से बहाली किए थे वही शिक्षक बच गया है स्कूल में जो आज देखने को मिल रहे हैं और जितने भी नियोजित माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है उस सारे इन्हीं के द्वारा बहाल किया गया और इन्हीं के द्वारा हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, यह कहाँ का तर्कसंगत प्रश्न है? नीरज कुमार जदयू MLC हैं, उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं इसका, वो लोग फर्जी होंगे, वो लोग नकली एडमिट कार्ड जलाएंगे। अच्छा, फर्जी होंगे या नकली होंगे या किनके द्वारा बहाली किया गया है, किन पदाधिकारियों के द्वारा, किनके राज्य में बहाली किया गया, प्रश्न यही उठता है ना। 20 वर्ष से हमारे आदरणीय नीतीश जी का सरकार है, 20 वर्ष से उन्हीं के द्वारा बहाली हो रहा है, प्रमुख के द्वारा हो रहा है, जिला परिषद के चेयरमैन के द्वारा है। चेयरमैन किसका रहता है? प्रमुख किसका रहता है? जिसकी सरकार है उन्हीं के द्वारा मनोन व्यक्ति ना प्रमुख होते हैं, चेयरमैन होते हैं और DDC उन्हीं के होते हैं, ब्लॉक में BDO उन्हीं के पदाधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा नियोजन पत्र दिया गया है, दूसरे के द्वारा दिया गया है। तो क्या आप मांग करेंगे इस परीक्षा को रद्द किया जाए? निश्चित रूप से मांग करेंगे, यह परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए। हमको नहीं अंदाज लगता कि कोई आदमी परीक्षा में भाग लेगा। तिथि बढ़ाने की भी बात होती, कहा जा रहा था अभी रोक दीजिए थोड़ा समय, बिना मतलब क्या तिथि बढ़ाते जाइए, कोई उसका रिजल्ट आने वाला, जब एक बार बहिष्कार कर दिया तो दोबारा कोई आएगा? या आपको समझ में आ रहा है कि दोबारा कोई आएगा? राजद पार्टी पुरजोर विरोध कर रही है सक्षमता। राजद पार्टी ही नहीं, महागठबंधन के जितने भी पार्टी है सारे लोग पुरजोर समर्थक हैं जी, और हम लोग तब तक करेंगे जब तक इन लोगों का मांग नहीं पूरा हो जाता। देखिए, जब तक इन नियोजित शिक्षकों का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक राजद पार्टी हो या फिर तमाम महागठबंधन के लोग वो खड़े हैं। ऐसे में शशिभूषण सिंह थे राजद विधायक, क्या कुछ कहते नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर, आपने सुना है यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो यह परीक्षा ली जा रही है बिल्कुल उचित नहीं है। कई वर्षों से कार्यरत है नियोजित शिक्षक और ऐसे में इनकी बहाली जो है नीतीश कुमार ने ही की थी और ऐसे में अब जाकर जिस तरीके से फरमान निकाला जा रहा है ये बिल्कुल उचित नहीं है। नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को देखते हुए शशिभूषण सिंह ने यह साफ कहा है कि इसको रद्द करना चाहिए और जो नियोजित शिक्षकों की मांग है उसको पूरा करना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे, बहुत बहुत।